एमएस धोनी तैयार, सीधी शॉट, चैलेंज, फ्लैट, भारत फाइनल जीत गया, भारत फाइनल जीत गया। इसे कहते हैं रोमांचक जीत। ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका पर एक विकेट की रोमांचक जीत दर्ज कराते हुए एक और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एक हारा हुआ मैच जीते हैं और ये सिर्फ एमएस ही कर सकते हैं, जादुई ताकत है इनमें। विकेट के दोहरे उछाल ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ही परेशान नहीं किया बल्कि टीम इंडिया के धुरंधर भी इस विकेट पर चारों खाने चित होते दिखे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआती झटकों से उबारते हुए रोहित और कार्तिक की जोड़ी ने 50 रन जोड़कर टीम को 100 रन के करीब ले गए, लेकिन स्कोर बोर्ड पर अभी 77 रन ही टंगे थे कि कार्तिक आउट होकर पवेलियन लौट गए। कार्तिक के बाद क्रीज पर आए रैना ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। रैना लय में दिख रहे थे, लेकिन तेजी से रन बटोरने के फिराक में विकेट के पीछे संगकारा को कैच थमा बैठे। बाहरी किनारा, आसान सा कैच, पड़ने के बाद गेंद बाहर। टीम इंडिया को रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद थी। रोहित अपना काम बखूबी कर रहे थे, लेकिन एक नीची रहती गेंद ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। श्रीलंका के रंगना हेरात ने चार विकेट झटकते हुए टीम इंडिया को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। हेरात के कमाल से एक समय में तीन विकेट पर 133 रन बना चुके भारत ने 152 रन तक पहुंचते पहुंचते सात विकेट खो दिए। हैरात ने पहले कार्तिक और रोहित शर्मा को आउट किया और फिर 37वें ओवर की दो लगातार गेंदों पर जडेजा और अश्विन के विकेट चटकाते हुए भारत का स्कोर 152 रन पर 7 विकेट कर दिया। टीम इंडिया 182 रन पर 9 विकेट गवा चुकी थी और जीत उसकी झोली से दूर दिख रही थी। यहां नहीं बच पाएंगे। लेकिन मिडास टच के मालिक धोनी एक बार फिर विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरे। भारत को 6 गेंदों में जीत के लिए 15 रन की दरकार थी और सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने इरांगा की 3 गेंदों पर लगातार छक्के और चौके जड़ते हुए जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी। भारत फाइनल जीत गया, भारत फाइनल जीत गया। स्पोर्ट्स ब्यूरो, माइडस टच।